मैं दुनिया का वाहिद ससुर हूँ जो दामाद से भी ज्यादा हैंडसम है। ये मैंने उसको बता दिया और अच्छी बात ये थी कि उसको पता भी है। तो उम्मीद है वस के आपका गुंचा दिल खुशियों से शादाब होगा, आपकी सेहत भी ठीक होगी। दोस्तों रैंडमली फनी एंड ड्रामेटिक वीडियोस के पहले एपिसोड में आज मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सी रैंडम फनी स्टूपिड ड्रामेटिक सोशल वायरल वीडियोस। तो इंतजार किस बात का, आज का शुगल मेला शुरू किया जाए। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका, लगाओ ना चश्मा। ओ तेरी, हाँ ठीक है अब दफना दो। ये क्या है? कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बस ऐसे खुद बैठी हूँ जमीन पे क्योंकि मैंने ये स्टेप करना था। कमल चीमा साहिबा, आपको ऐश्वर्या राय से तशबीह दी जाती है, आपको कैसा लगता है, कहा जाता है ना आपके बारे में? मैं इसका जवाब। अरे हाँ यार, आवाज भी मिलती है, लेकिन आंटी का जवाब ठीक था कि भाई मुझे नहीं पसंद, क्यों उसके साथ मिला रहे हो? हेलो, आप बताओ अपने बारे में। क्या बताऊँ, तुम बताओ। आई एम मिस्ट्री। वाह, मेरे घर पे प्लास्टर कर दोगे क्या? आंटी ने अपना आप छोड़ दिया हुआ है लेकिन अंकल आगे से मजबूत बैठा हुआ है। कंट्रोल। आंटी तो ऐसे जैसे लाश है, कोई रेजिस्ट ही नहीं कर रही, बस अपना आप छोड़ दिया है। आंटी के आगे अगर अंकल ने बैठा होता तो आंटी का सर रेत के अंदर घुसा होना था। उस अरबी बेचारे ने भी उनको उतार ही दिया है कि भाई तुसी ले ही जाओ, मेहरबानी है तुहाडी, जल्दी उतरो, नहीं दियो मेरा ऊंट ना मार दियो। ओ तेरी, चाचा जी की तशरीफ या तो छेलकती है या चिब्बी हो गई है। जा जोर जाती है जी। ओ दिखने में तो मजेदार लग रहे हैं लेकिन अगर बंदे का थोड़ा सा वजन ज्यादा हो तो। अन्नी दिया आ भी जा। ओ तेरी, एक ही हो गया। उसको गोते लगवा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं। ओ भाई इसको बाहर फेंक, कहीं तू भी डूबता इसके साथ। अच्छा सर ये बताइएगा, शादीशुदा है आप? नहीं नहीं शादीशुदा। कल को आप शादी करेंगे? जाहिर बात है करूंगा शादी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अमीर लड़की से करूंगा शादी। अमीर लड़की से शादी? जाहिर बात है ना, उसकी कमाई खाएंगे बैठ के। जहेज लेंगे आप? जहेज लूंगा, जाहिर बात है जहेज लूंगा। बंगला भी आएगा तो बंगला भी मिलूंगा। अमीर लड़की मिल जाएगी इसको? अल्लाह ना करे भाई, खुसरा मिल जाएगा, लड़की तो नहीं मिलेगी। वाकई उस चाचे की बात ठीक है, जितनी तेरी डिमांड है ना, तुझे खुसरा मिल जाए बड़ी बात है। जब पाकिस्तानियों से पूछा गया कि इंडिया चांद पे पहुंच गया है तो पाकिस्तानियों का रद्द अमल। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब हम कहते हैं हम तो चांद पे नहीं रह रहे हैं। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। तो इधर भी नहीं है? बात तो सही है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस। इधर भी नहीं है? कौन ही? वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये भी देखे लाइट नहीं? इधर भी। हंस रहे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता है कि उन्हें तकलीफ ना डील करना होता। हाँ बिल्कुल बात तो सही है, मगर बहरहाल इंडिया की ये अचीवमेंट तो है भाई। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। वो साथ वाले स्विमिंग पूल में चला गया, ये उसको पसंद नहीं आया। ये कराची का सीन लग रहा है, वो बेचारा डर के भाग गया कि कहीं मुझे चीनने तो नहीं लगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा? पूरी की पूरी शीशी ही गिर गई। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, जस्ट ये एक मीम थी बस। अच्छा मुझे एक बात नहीं समझ आती, कैलीजे शाह को हो क्या गया और उसकी अब तक बिस्ती होती रहती है, जरा प्यारी नहीं लगती, अब लगता है हर टाइम नशा किया हो। ओवर एंड चीप। इसने और आयमा बेग दोनों ने एक ही चक्की का आटा खा लिया। प्लास्टिक डोल।
ये लड़के नहीं सुधरेंगे, सही खेल गए। मैम खिड़की से बाहर कूद रहे हैं। बताओ हजरा, किस किस की क्लास में इस तरह के स्टूडेंट्स होते थे जो हर चीज की शिकायत लगाते थे? म्याओ म्याओ म्याओ। हैं? नी तू इत्थे बैठी है, हैं? मैं तेनू पूरा घर छान मारिया, दस्ती नहीं। चल इधर वार अन्नी दिए, तेनू तो मैं जाके पूछा। वाह, क्या टैलेंट है। ये जो अक्सर मेलों में पिस्तौल से पकाने पारने वाले बंदे खड़े होते हैं ना, उनको चाहिए कि इसको पास रखें, ये पकाने भर भर के दे ही जाए। मस्त प्लान है। हिंदुस्तानी एक्टर शहनाज गिल का कहना है कि हानी आमिर क्यों टेस्ट, लेकिन पाकिस्तानियों के नजदीक पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस बहुत ओवर होती जा रही है। बॉलीवुड को देख देख के ये भी उनके रंग में रंगती जा रही है, और बॉलीवुड की हीरोइने हॉलीवुड के पीछे लगी हुई है। ये एक साइकिल है जिसमे कोई भी खुश नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, असलम साहब गल कर रहे ने? हाँ जी भाजी, थोड़ा जा राह दे आजे, थोड़े मगर गड्डी ते जा रहे हैं, थोड़ा राह दे आजे। नहीं और लिखो अपनी गाड़ी के पीछे अपना नंबर लिखो, बंदे ने भी सही शुगर लगाया। नहीं ये मजाक हो रहा है। हरीम शाह पता नहीं कौन से ड्रामे में एक डॉक्टर बन के आई है, तो नीचे कमेंट आया हुआ था कि इसको तो खुद डॉक्टर की जरूरत है। हरीम शाह का शोहर जैसे ही अगवा हुआ कुछ दिन पहले, उसने एक वीडियो पैगाम जारी करने की धमकी लगाई, शोहर वापिस आ गया। यार इसके पास पता नहीं किस किस के राज हैं, हर कोई डरता है। लो जी अन्नी दिया वेखते ले कढ़ाई उते है अभी कि नहीं। अच्छा है मैं अंधा हूँ। बिल्कुल अवामी मसाइल की अगर बात की जाए तो इस वक्त म्युनिसिपल कमेटी कोटशुटा के अफसरों की नाअहली के बायस पूरा कोटशुटा शहर कचरा कुंडी का हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा। शहरी किधर गए हैं, किथे गए अन्नी देव, किथे गए हो धोखेबाजो? उड़े आओ चवलो, तुम्हें 50-50 रुपए इसलिए दिए थे, कम अज कम 5 मिनट तो खड़े हो जाओ, 5 सेकंड नहीं खड़े हुए। खैर यार दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना था, उम्मीद थे बस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल का नाम मैंने चेंज करके बदला ब्रदर रिव्यूज रख दिया है, और इस पर ये एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है। साथ में ये भी सोच रहा हूँ कि ड्रामास की रोस्टिंग भी दोबारा स्टार्ट की जाए, क्या ख्याल है? नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।